Now, I would like to invite our next guest speaker, Shehzad Mirza Sahab. Please, Shehzad Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो कासिम शाह फाउंडेशन का, कासिम शाह साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यह मौका मिला कि आप दोस्तों से बातचीत कर सकें. दोस्तों, आज का जो मौजू है वो है कंटेंट क्रिएशन, जो है यूट्यूब पे हो, फेसबुक के ऊपर हो या कहीं भी. अब अक्सरियत में ना कई दोस्तों को इसमें कई मसाइल फेस करने पड़ते हैं, जिनमें से एक मसला बहुत बड़ा है जो शेर में पहले लोग बयान करते थे. शेर ये था कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग दीवाने हैं कि सूरज को दिखाते हैं चिराग. अब ये शेर में ये था कि जब बड़े बड़े लोग हैं, माशाल्लाह हमसे कदावर लोग हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, हम सोचते हैं कि इनकी मौजूदगी में हमें कौन सुनेगा. तो दोस्तों, मैंने तो एक काम किया था, आप भी कर लीजिएगा. मैंने अपना छोटा सा चिराग थोड़ा साइड पे रख लिया और एक छोटा सा मसाला लेके आया. जो मसाला उसकी आग में डालेंगे तो आग थोड़ी सी कलरफुल हो जाएगी. मेरे भी कुछ चाहने वाले मौजूद होंगे, हर बंदे के चाहने वाले लाजमी मौजूद होते हैं, उन्हें सुनते हैं. दोस्तों, जहाँ तक बात है कामयाबी की स्टोरी की, तो कामयाबी बहुत कम्प्लेक्स वर्ड है, इसको किसी सिंपल वर्ड में बयान करना मुश्किल है. मुझे किसी वक्त में अपना खाना पीना, अपना पहनना ओढ़ना मैनेज करना था, तो मैं किसी वक्त ये स्ट्रगल करते करते कामयाब हो गया. सन 2005 में पहली बार मैंने इंटरनेट से पैसे कमाने शुरू किए और 2006 में मैं अपना कोर्स ऑनलाइन भेजता था, जो कि बाहर के लोग मेरा कोर्स बाय करते थे. मेरे तब के काफ़ी शागिर्द हैं अल्लाह के करम से, तो मुझे इससे पैसे कमाने का इत्तेफाक़ भी हुआ. अगली बात ये थी कि अल्लाह ताला के करम से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ऊपर गए, तो 2012 में मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने अमेरिकन एक क्लाइंट था, जो क्लाइंट मुझे उन दिनों ऑफर कर रहा था $1,000 पर डे में. आप अंदाज़ा कीजिएगा, पाकिस्तानी 60 लाख बनता है एक माह का. मसला ये था कि इससे पहले मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अमेरिका में जाऊँ या यूके में जाऊँ, किसी मुल्क में चला जाऊँ, यहाँ से भाग जाऊँ. अक्सरियत में सारे दोस्त यही चाहते हैं ना, भाग जाएं यहाँ से. लेकिन हुआ ये, उस बंदे ने मुझे पैसे पे किए, लेकिन रोज़ाना मुझे उसने बातें सुनानी, तुम लोग दहशत गर्द हो और स्पेशली मुसलमान. खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि उस दिन उस बंदे ने मेरे साथ जो कुछ किया, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत होनी शुरू होगी. इसके बाद अल्लाह के करम से 3 बार मुझे मौका मिला बाहर जाने का, 3 बार मना कर दी, मैं नहीं गया. अल्लाह ने मुझे वो रोज़ी रोटी, वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, यहाँ भी मिल गई. लेकिन ये मेरी कामयाबी नहीं थी. आप चेक कीजिएगा कंटेंट की ताकत कितनी ज़बरदस्त है आज के दौर में. मेरा ये ख्याल है कि अगर एक गरीब आदमी है तो वो गरीब रह गया है तो उसने सोशल मीडिया को टच नहीं किया था, जबकि बहुत आसान था. आप सोचते हैं किस मौजू पे, आप जस्ट कोई भी मौजू पे बोलें, जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर होगी उस बंदे के पास कई ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो बंदा बोलेगा, उसके चाहने वाले, उसके फ़ैन वहाँ पे आ जाएंगे, उसे ढूंढते ढूंढते उसको ढूंढ लेंगे. दोस्तों, मेरी कामयाबी जो थी, जो पहली कामयाबी थी पैसे कमाने वाली, वो छोटी सी कामयाबी थी. मैं अपनी असल कामयाबी इसको गिरदानता हूँ कि पिछले 2 साल में अल्लाह के करम से मेरा फ्री कोर्स, जो कि पहले यहाँ दस्तयाब नहीं था, उसका नाम है GBOB. मुझे लोग GBOB के नाम से ही जानते हैं. GBOB ने पिछले 2 साल में पाकिस्तान में 10,000 ऐसे लोगों को ट्रेन किया, जिन लोगों की आमदन $1,000 पर मंथ है. आप ये देखिएगा, फ्री कोर्स है, इसमें पाकिस्तान से कई शहरों से उन लोगों ने कोर्स किया, उनकी तारीफी जुमले मुझे मिलते रहते हैं अल्लाह के करम से, और यही कोर्स लोगों की ज़िंदगियां बदल रहा है. लेकिन मेरे पास तो पहले भी था, इसे देखने वाला था ही कोई नहीं. जब तक मैंने YouTube पे अपने जो वीडियोस हैं करने नहीं शुरू की, इसको इतनी बड़ी ऑडियंस दस्तयाब नहीं थी. मेरे शागिर्द तो आज से 20 साल पहले भी थे. मेरा जो सफ़र था 22 साल पहले शुरू हुआ था पढ़ाने का. अल्लाह का करम है, 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं मुझसे बिलमशाफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे लोग जानते नहीं थे जब तक YouTube पे नहीं आए. अब आपके जहनों में भी ना छोटी छोटी गिरें लगी होती हैं ऐसी, कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस मौजू पे करूँ, कैसे चलूँ.
मेरा ये ख्याल है दोस्तों, आप चीज़ों को परफेक्ट मत कीजिए, इनको सिस्टम में ले के आइए, ये सिस्टम ही उनको आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट कर देगा। आप जहाँ भी हैं, जिस तरह भी हैं, अपना कैमरा लेके किसी भी मौजू पे आप शुरू कीजिए, अपनी वीडियो को शूट करना शुरू कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी ऑडियंस ही बताएगी कि भाई आपने किस साइड पर जाना है। टाइम बहुत मुख्तसर है और बातें तो बहुत सारी हैं, अगर स्टोरी ज़िंदगी की बयान करेंगे तो जितनी ज़िंदगी है उतनी लंबी स्टोरी चाहिए। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के लिए रास्ते हमवार करे और आपको कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू शहजाद साहब।